हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मधु, जैन किचन में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं कटोरी चाट की रेसिपी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं। उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले कटोरी बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम चाट के जो जो सामान है हम वो करेंगे। सबसे पहले मैं कटोरी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है, इसे अच्छे से मैंने इसे छान लिया है। कटोरी मैंने आप नाप कोई सा भी ले सकते हैं, कप के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने 2 कटोरी मैंने मैदा लिया हुआ है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और ये मोहन के लिए मैं इसमें छोटे चम्मच में 1.5 चम्मच इसमें मैंने इसमें घी डाला है और इसे अच्छे से इसे हाथ से इसे मिला ले रही हूँ। गाइस, कई लोग जो होते हैं इसमें सूजी मिक्स करते हैं, जैसे 1 कटोरी मैदा है तो 1/2 कटोरी इसमें सूजी मिक्स करते हैं, बट मैं इसमें सूजी मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं इसे सिर्फ मैदे से बना रही हूँ। तो इसे बढ़िया से हम इसे मिला लेते हैं। पानी हम बाद में मिक्स करेंगे, सबसे पहले हम इसे घी इसमें, गाइस इसमें घी ही डालें, आप इसमें तेल ना डालें। कई लोग जो होते हैं इसमें अजवाइन डालते हैं, बट मैं इसमें अजवाइन भी नहीं डाल रही हूँ। नमक आपको बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि बाकी मसाले में हमारा नमक डलेगा, इसलिए ज्यादा नमक की जरूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेजरमेंट हमारा सही रहेगा तो हमारी कटोरी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप कटोरी या कप किसी के हिसाब से भी आप नाप ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब ऐसा लड्डू बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है, हमारा आटा बढ़िया से मिल गया। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालते हैं, हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे खूब सारा। और इसका डो जो हम रेडी करेंगे, ये कढ़ाई की पूरी जैसा के लिए हम आटा जो गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें गूंथना है, ना ज्यादा कड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा नरम होना चाहिए। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा हमने गूंथ लिया है ये आटा, और आप देख सकते हैं जैसे ज़्यादा कड़ा भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बट ये ऐसा टूटा टूटा दिख रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी हम हाथ में या इसमें डाल लेते हैं और इसे अच्छा सा थोड़ा सा बना इसमें हम दे देते हैं। बस 1 मिनट आप इसे अच्छे से बना इसमें दे दें आप। और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए हम इसे रखते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे 10 से 15 मिनट हो चुका है, अब हम इसे साइड कर देते हैं और थोड़ा सा इसी प्लेटफॉर्म पे इसे थोड़ा सा हम इसे मैश करके हल्का सा इसे थोड़ा सॉफ्ट बना लेते हैं। डो जो है ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसे हम बिल्कुल बड़ा भी लो इसका नहीं लेंगे, बिल्कुल छोटा भी नहीं लेंगे हम इसका, और इसका हम पतला पूरी बेलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल 2 कटोरी में हमारा ये 8 पीस लोई जो है हमारा रेडी हुआ है, और इसे हम ये देखिए
देखिए, बिल्कुल छोटा भी नहीं करना है, इसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। कढ़ाई की पूरी जो हम बेलते हैं बिल्कुल इसकी मोटाई उतनी ही होनी चाहिए, इसे ज़्यादा मोटा अगर हम बेलेंगे तो क्रंचीपन जो आता है कटोरी में वो क्रंचीपन नहीं आ पाएगा। ये देखिए, ऐसा हम सब बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बेल के बता रही हूँ। जैसे जितनी हम कढ़ाई की पूरी का लोई लेते हैं बस हमको उतना ही लेना है, और इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ज़्यादा पतला भी इसे नहीं करना है। बिल्कुल कढ़ाई की पूरी जैसे हम बेलते हैं बस हमारी मोटाई उतनी ही होगी, और हमने लोई भी बस उतना ही लिया है। चाहे तो आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं आप अपनी कटोरी के हिसाब से। देखिए मैं आपको दो टुकड़े बेल के बताती हूँ। बीच बीच में ना बेलें आप, चारों साइड में बेलें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दो बेल लिया है, और मैं ये कटोरी ले रही हूँ। ये देखिए स्टील की कटोरी है, और ये ऊपर से बड़ी है नीचे से छोटी है। और आपके पास बड़ी कटोरी हो जो इक्वल हो वो भी आप ले सकते हैं। मैं इसमें घी लगा ली हूँ अच्छे से, और इसे सबसे पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। इसमें कट करना ना भूलिए, कट अगर नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगा और क्रंचीपन जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। ये देखिए, ये ऊपर से भी कट ऐसे करें कि जो दोनों साइड में कट हो जाए। ये देखिए, ये कटोरी मैं ले रही हूँ, अब इसे ध्यान से देखिएगा। कटोरी को मैंने यूं पलट दिया है। ये देखिए, अब ये हल्का सा इसमें ये सल जो आएगा उसको ऐसे लेके जस्ट आपको इसको ऐसा हल्का सा दबा देना। ये देखिए ये हुआ है, ये यहाँ पे हल्का सा आपको सल दिख रहा है, और इसमें यहाँ पे चूनर जैसे अपन डालते हैं बिल्कुल वैसा डाल के ऐसा हल्का सा दबा दें। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि उस साइड में कवर हो गया, ये कवर नहीं हुआ है, तो इस साइड में आप हल्का सा मैदा है क्योंकि तो ये फैल जाता है, तो आप इसे हल्का सा हाथ से भी आप इसे यहाँ पे सल आया है आप उसे हल्का सा प्रेस कर दे, नहीं तो जब हम तेल में डालेंगे तब ये चूनर जो रहता है हमने जो फोल्ड किया हुआ है वो खुल जाता है। ये देखिए, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, ये स्टील के ग्लास में इसमें भी मैंने तेल लगा लिया है। आप तेल की कुछ भी लगा सकते हैं, और इसे भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इजी है, आप आराम से घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, स्टील के ग्लास में भी मैंने जैसे कटोरी में किया है बिल्कुल वैसा है आप कर सकते हैं। ये देखिए, और जैसे ये सल आया है वैसा आप यहाँ पे मोड़ सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। मार्केट में जैसा मिलता है बिल्कुल आप घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी में इसे बिल्कुल फोड़ लिया है, और तेल मैंने एक बार हाई फ्लेम किया हुआ है, और मैं एक बार के लिए गैस को बिल्कुल सिम पे मैंने रख दिया है, और एकदम हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी आप नहीं डालें। एकदम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये हल्का सा ब्राउन आने लग जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी का भी कर लिया है, अब ये कटोरी मैं इसमें ये सीधा डाल रही हूँ। ये देखिए, गैस हाई हो गया था इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया था। मैंने इसे बिल्कुल सिम पे रखा हुआ है, मैं एक कटोरी इसमें और डाल रही हूँ, और एक जो मैंने गिलास का बनाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये गिलास भी इसमें डाल रही हूँ। चाहे तो आप इसे पकड़ के रख सकते हैं, चाहे
निकल जाएगा, तब आप खींच सकते हैं इसे। मैंने गैस को पहले हाई फ्लेम पे रखा था, उसके बाद अभी इसे मैं एकदम सिम पे मैंने रखा हुआ है। ये देखिए कटोरी अपने आप छोड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं ये कटोरी को जो है निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कटोरी अपने आप निकल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब तेल जो है मैंने इसके अंदर में डाल दी, कटोरी ये देखिए निकल गया अपने आप। दूसरी कटोरी भी मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स दूसरी भी कटोरी निकल गई है। अब ये जो गिलास है ये आप देख सकते हैं, गिलास भी बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा ऐसा हल्का सा। गैस हाई फ्लेम करके बिल्कुल मीडियम पे रख दीजिएगा। अगर तेज पे करेंगे तो ये लाल सिक जाएगा और अंदर से क्रंचीपन जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हल्का सा गिलास गर्म हो जाता है, थोड़ा सा सावधानी से आप इसे करें। अब ये हल्का सा ब्राउन होने लगे तभी आप इसे पलटिएगा, अदरवाइज आप इसे टच इसे बार बार यूं चलाना नहीं है। अगर कटोरी का जो साइज है वो फिर चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। आप इसे बस एक कटोरी निकाल दें, ये अपने आप सीखता रहेगा। ये देखिए आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स गिलास निकल चुका है, ये हमारी कटोरी का साइज आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इसे जरूर बनाएं, बाहर के ठेले में जैसा आपको मिलता है खाने को, बिल्कुल आप वही टेस्ट आप घर पे बना सकते हैं। इनफैक्ट आप उससे अच्छा बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत जरूर है बट आप इसे जरूर बनाएं। और अभी बाहर का खाना अगर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो ये रेसिपी आप जरूर बनाएं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये देखिए आप ये सीख चुका है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ। पलटते समय थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसे बिल्कुल धीरे से, ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसे भी पलट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। आप साइज कोई सा भी ले सकते हैं, आप कोई सी कटोरी ले सकते हैं, आप कोई सा भी गिलास ले सकते हैं, बस थोड़ी सी कटोरी फैली हुई होनी चाहिए जिससे हम इसके अंदर में जो आलू मटर वगैरह जो डालेंगे वो उसमें अच्छे से आए। गाइस मेहनत थोड़ा सा है, बाकी जो बन के रेडी होगा और जो आपके जैसे आपके घर वाले आपकी तारीफ करेंगे तब मेहनत उसके सामने कुछ भी नहीं है। और आप पीछे में जो ये पलट रहे हैं तो हल्का सा लाल होने के लिए आप ये गरम गरम तेल जो है धीरे धीरे आप इस पर डालते रहें ताकि ये थोड़ा सा लाल और हो जाए। मैंने गैस अभी तक सिम पे रखा हुआ है गैस, आप ये एक चीज का याद करिएगा, एक बार हाई फ्लेम करने के बाद आप इसे बिल्कुल सिम पे रहिए। अब आप सोचेंगे हाई पे इसे कर देंगे तो सीख तो जाएगा गैस, बस जो क्रंचीपन आना चाहिए वो क्रंचीपन नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये बाहर से ब्राउन हो गया है, हल्का से हल्का अंदर से भी ब्राउन हो गया है, हमें इसे एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि जब हम इसे निकाल देंगे उसके बाद भी ये हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कितनी अच्छी कटोरी हमारी रेडी हुई है, थोड़ा सा सावधानी से आप इसे निकालें, तेल पहले इसमें पूरा डाल दें, उसके बाद एक से डेढ़ मिनट तक आप इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कितनी अच्छी कटोरी बनके रेडी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्रिस्पीपन भी आ गया, हल्का सा ये गर्म है। आप जब भी इसे सर्व करें पूरा ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप इसे सर्व करें। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी देखिए बिल्कुल पतली फूली फूली, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी कटोरी हमारी बन के रेडी हुई है। और थोड़ी गर्म है ये, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे
सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रंची बना है। ये देखिए, आप इसका आवाज सुन सकते हैं, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटोरी मैंने गिलास पे बनाया है, और ये मैंने कटोरी पे बनाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी कटोरी हमारी बन के रेडी हुई है, और ये क्रंची भी है। मैं आप ये देखिए कितना क्रंची बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आलू डालते हैं। ये उबला हुआ आलू है, मैंने इसे उबाल के इसकी कटिंग कर ली थी। आप इसमें जो चाहें, आपकी जो इच्छा है वो डाल सकते हैं इसमें। आप सिर्फ आलू से भी आप बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें मटर डालना है, जो आपके पास जो अवेलेबल है। ये काबुली चना है, मैंने इसे 6-7 घंटा पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसे 4-5 सीटी लगाया, उसके बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया। आपके पास हरा मटर है तो वो डाल सकते हैं, सफ़ेद मटर है तो वो डाल सकते हैं, मूंग चना जो आप अमृत क्या खाते हैं, या फिर लाल चना, आप उसे वो भी डाल सकते हैं। मैंने काबुली चना में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के इसे मैंने 5-6 सीटी लगा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये धनिया पत्ती और पुदीने की चटनी है, इसमें मैंने धनिया पत्ती, पुदीना और एक हरी मिर्च मैंने डाल के इसे पीस लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, गाइस ये दही है। दही को मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के, हल्का खट्टा मीठा का फ्लेवर आए वो डाल के मैंने ग्राइंडर कर लिया, एक बार पीस लिया इसे एक बार। और इसमें दही मेन इम्पॉर्टेंट है, और इमली की चटनी, ये हरा धनिया की चटनी नहीं हो तो भी चलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद लास्ट में जाता है टेस्टी टेस्टी खट्टी खट्टी यम्मी यम्मी, ये हमारी इमली की चटनी, ये मैंने घर पे बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको जितनी ज़रूरत है, जितना ज़्यादा खाना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। ये सफ़ेद नमक है, ये लाल मिर्च कूटा हुआ है, चाहे तो आप मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये जीरा भुंजा हुआ है, ये काला नमक है, और ये है चाट मसाला। ये चाट मसाला ऑप्शनल है, चाहे है तो आप डालें, अगर नहीं है तो ना डालें आप। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें सफ़ेद नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें चाट मसाला, ये देखिए चाट मसाला डाल रही हूँ इसमें। ये लाल मिर्ची कूटी हुई है वो डाल रही हूँ, चाहे तो आपके पास मिर्च का पाउडर है वो डाल दें। ये है जीरा पाउडर, मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। जीरा पाउडर भी ऑप्शनल है, लेकिन डालने से थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लास्ट में ये जा रहा है, ये प्याज, हरा प्याज मैंने काटा है। आप इसमें जो चाहे आप डाल सकते हैं। इसमें मैं अब डालती हूँ, ये टमाटर कटा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स। लास्ट में मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ती, आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो ना डालें। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ, मेरे पास थोड़ी सी भुजिया थी, ये मैं भुजिया डाल दे रही हूँ। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, अदरवाइज इसके बिना भी ये हमारी कटोरी चाट जो है बहुत ही अच्छी लगती है। और लास्ट में ये हम डालते हैं इसमें अनार के दाने, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं हमारी ये इमली की चटनी।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी कटोरी चाट बिल्कुल खाने का मन हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको भी खाने का मन हो रहा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो पूरा देखें और हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ सिर्फ देखें ही नहीं, वीडियो आप पूरा देखें, देख के आप इसे बनाएं। और गाइस वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस। त्यौहार का मौसम आ गया है तो फ्रेंड्स आप अपने घर पे बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।